आसनसोल के बर्नपुर के वार्ड नंबर 83 में इन दिनों पानी की किल्लत हो रही है। इस भीषण गर्मी में पानी न मिलने से गुस्साए लोगों ने आज हस्ताक्षर अभियान चलाया। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम चुनाव बीतने के बाद स्थानीय पार्षद मोहम्मद हरस्तुल्ला इस इलाके का दौरा करने नहीं आए। इस बीच खबर आ रही है आसनसोल से, जहां बर्नपुर में नगर निगम के वार्ड नंबर 83 के अली नगर चासापट्टी इलाके में पेयजलापूर्ति सहित अन्य समस्या का समाधान नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है और ऊपर से पीने का पानी नहीं मिलने के चलते आज इनका गुस्सा फूट पड़ा। समस्याओं का समाधान नहीं होने से आक्रोशित स्थानीय लोगों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम चुनाव बीतने के बाद स्थानीय पार्षद मोहम्मद हरस्तुल्ला इस इलाके का दौरा करने नहीं आए हैं। रमजान के समय भी पीने का पानी नलों में नहीं आने के साथ ही साथ सफाई नहीं हो रही है। पार्षद समस्या का समाधान करने के बजाय पल्ला झाड़ लेते हैं। पानी दूसरा जगह से अगर पानी दिन भर में नहीं हम लोग मिला दूसरा जगह जाके लाने पड़ रहा है। पानी का बहुत तकलीफ हम लोग हम लोग पानी का बहुत तकलीफ है। रोजा रख के आदमी दूसरा जगह से पानी लाने गया। काउंसलर के पास नहीं गए क्या? काउंसलर के पास नहीं गए क्या? पानी तो वही टाइम के पास चासापट्टी है, लेकिन यही है कि पानी का समय से पानी का लेकिन सुविधा नहीं है यहाँ पर। अगर बोला जा रहा है तो बोलता है कि मतलब नहीं दुल्हन की मतलब ठीक नहीं दुल्हन नहीं है, मतलब पानी दिया जाता है इसके बाद बोलता है प्रॉब्लम बताता तो नली बंद हो जाता है। अगर टंकी आने पर टंकी से पानी नहीं मिलता तो एक बार से दो बार मिलता है पानी बंद। टंकी आता है तो मिलता ही नहीं है पानी। टंकी आता है नहीं? टंकी आता नहीं डेली। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये पानी नहीं आ रहा इसका जिम्मेदार कौन है? जो पानी नहीं आ रहा उसका जिम्मेदारी कौन है? गाड़ी कार पर्सन होना चाहिए मेरे। अभी तो लाइट जलाल मामा लोग लगा के गए। काउंसिलर होके किया क्या? अंधेरा था, आया तो नहीं देखने के लिए कि लाइट लगा। रमजान में पानी का प्रॉब्लम है, पानी के लिए आदमी बोलता है तो बोलता है पूरा आसनसोल उठ के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? बोला पानी का प्रॉब्लम हो गया है तो हम क्या करें? पूरा आसनसोल आ जाओ मेरे ऑफिस में तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है? नेहा परवीन। दूसरी तरफ पार्षद मोहम्मद हरस्तुल्ला ने बताया है कि उस इलाके के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों को असुविधा होने पर लोगों को धमकाकर ऐसा काम कराया जा रहा है। जो पैकेज जो सिग्नेचर कैंपेनिंग बोल रहा है ना, ये लोग बोल रहा साधारण पब्लिक है। इसमें मेरा खिलाफ में जो कैंपेनिंग किया था कैंडिडेट था माने सुरोज छाम में, उसका भी आदमी नहीं बोल रहे। मेरा कुछ मेरे एरिया में जो क्राइम एक्टिविटीज में रहता है ये लोग भी इसका से जुड़े हुए हैं। जितना देख रहा है शरीफ लड़का है, इससे धंधा नहीं हो रहा तो मेरा कलम में सिग्नेचर कैंपेन। ये लोग क्या है, कोई भी कोई सामाजिक काम बहुत है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाओ, किसी का भी ईद का मायना है, बहुत गरीब आदमी का कपड़ा नहीं मिल रहा, तुम कपड़ा का चंदा उठा कपड़ा दो। आपका बहुत सारा गरीब है, लच्छा समय नहीं वो लोग खरीद कर सकता, उसको लिए तुम ये कैंपेनिंग करो। ये सब बेबुनियाद है, पार्टी को बदनाम कर रहे हो। आज इधर जा रहा कल उधर जा रहा, मतलब परस्त आदमी है लोग। अरे मतलब परस्त आदमी को आप लोग भी थोड़ा देखिए। रात रात में जो इलीगल कनेक्शन हम लोग एरिया में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स करता है इसको बंद कराइए। आप लोग भी इसको हाईलाइट कीजिए। कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन का भी आप बोलिए, आप ये थाना को बोलिए मदद लीजिए। लेकिन ये दिन में बाढ़ लेने से एक बार दो एक बार रात में भी आप घूमिए, आपका पूरा एरिया का चेहरा नज़र आएगा कौन आदमी रोड में है, कौन काम में है लोग इन्वॉल्व है। 5 साल में सबसे ग्रोथ हुआ, ये 5 साल से तापस बनर्जी इस एरिया का जो सजाया ग्रोथ एरिया है पूरा आपका अड्डा का जो डेवलप हुआ इस एरिया में, आने वाला दिन में हो सके हम नहीं कर पाएंगे। जितना भी आपको कंक्रीट ढलाई देख रहे हैं, हाई मास्ट लाइट देख रहे हैं, तापोदय किया हुआ है, यही तबका का आदमी तापोदय को बदनाम कर रहा था कुछ दिन इलेक्शन का पहले। यही आदमी लोग आज नया चेहरा बन के मैं हमको बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। ये लोग का कुछ काम नाम नहीं है, ये लोग अपना मतलब लेके पार्टी करता है और पार्टी का भी नहीं है लोग। ये लोग एक पार्टी है जो फायदा वाला पार्टी, और इसका कोई लोग आदमी जो अच्छा आदमी है वो साथ नहीं देगा।
अब कोई राजनीतिक नेता ये लोग का सपोर्ट नहीं देगा। आज टोटल ओबाना लाइन में देखिए पूरा एरिया में बाढ़ का जैसा हो जाता रहा। तापस बना जी उसको हाइड्रेंट बनाया, हाई मास्ट दिया, कंक्रीट ड्रेन और आपका कंक्रीट ढलाई पीसीसी रोड पूरे एरिया में हुआ है। और कोविड नहीं होता तापस दा का प्रियोरिटी में 100% हो जाता।